जानी मानी डांसर और कोरियोग्राफर शक्ति मोहन जल्द ही डांस प्लस के सीजन 4 में नजर आने वाली हैं। इस सीजन और अपने बेहतरीन डांसिंग करियर के बारे में क्या कहना है शक्ति का, चलिए उनसे जानते हैं। कंपटीशन तो मैसिव है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशंस इन इंडिया और बेस्ट ऑफ टैलेंट्स कम टू दिस शो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू प्रेजेंट देम, जिससे वो जिस लेवल पर आए उससे और ज़्यादा पॉलिश्ड होकर स्टेज पे परफॉर्म करें। तो डेफिनेटली आई फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कोरियोग्राफर टू डू माई बेस्ट। और डांस इज एन आर्ट फॉर्म एंड वेन देर इज़ अ जज हु इज कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्टर परस्पेक्टिव और एक्टर परस्पेक्टिव, आई थिंक कहीं ना कहीं दे हैव नॉलेज ऑफ दिस आर्ट फॉर्म एंड दे माइट नॉट बी एग्जैक्ट एक्सपर्ट ऑन दैट, बट आई फील दे हैव गुड नॉलेज एंड सेंसिबिलिटी टू बी सिटिंग इन दैट पोजिशन। सो आई हैव कम्प्लीट रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस। सो फ्रॉम माई सिस्टर्स सबसे ज़्यादा तो नीति दीदी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि जब भी कोई ट्रैक होता है जो कि फीमेल वॉइस में नहीं होता, मैं कहती हूँ दीदी प्लीज़ ये गा दो, एंड देन नो मैटर हाउ बिजी शी इज़ आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हर बिकॉज शी इज़ ऑलवेज लाइक हाँ करे कहाँ करना है, कोई भी स्टूडियो में आने के लिए शी इज़ ऑलवेज रेडी एंड जैसा भी बने एंड में, क्योंकि कभी कभी बजट नहीं होता क्या होता है, बट शी विल कम एंड देन शी विल रिकॉर्ड इट, नेवर एवर शी हैज सेड नो टू मी। मुक्ति मुझे हमेशा क्रिएटिव एक्ट्स के लिए हेल्प करती है कि दीदी इसमें आप ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, हमारे घर में हमेशा कुछ डिस्कशन ऐसा चलता रहता है स्पोर्ट्स पर। कहीं ना कहीं बॉम्बे में मुझे सोचता है कि मेरा जो लव फॉर स्पोर्ट्स है वो बुझ जाता है क्योंकि रेन्स है फील्ड्स नहीं है, तो आई लव टू प्ले बैडमिंटन पर लॉट ऑफ रीजन्स मतलब हम लोग नहीं परस्यू कर पाते हैं, बट वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग टू अदर कंट्री नृत्य शक्ति स्टूडियोज वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू लीव बिहाइंड, कि अगर शक्ति मोहन मर जाए नृत्य शक्ति स्टूडियो अमर रहे हमेशा। वो विजन उसका यही है कि यहाँ पर बच्चे आके ना ट्रू आर्ट फॉर्म को समझें एक्सप्लोर करें और अपने आप को उससे जोड़ें, ये नहीं कि ये डांसर है इसकी तरह बनो, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ यू एंड दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू टीच, कि ज़रूरी नहीं है कि आप 30 साल के हो गए तो अभी आप डांस नहीं सीख सकते। हम लोग उनको इंकरेज करते हैं कि डांस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन अ एज और अ बॉडी कि मैं मोटी हूँ मैं नहीं डांस कर सकती, तो वी नीड टू ब्रेक ऑल दोज नॉर्म्स एंड गेट आउट ऑफ इट एंड एंजॉय दिस आर्ट फॉर्म। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।